हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर नोट्स। आज मैं आप लोगों के लिए कैरियर स्केच ऑफ टेस्ट ऑफ द डॉलर बिल्स लेके आया हूँ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, ये कैरियर स्केच ऑफ टेस्ट इस तरह से भी, नहीं तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कैरियर स्केच ऑफ टेस्ट ऑफ द डॉलर बिल्स। ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो टेस्ट के बारे में आपको जो है लिखनी है। ठीक है, तो इस नोट से पहले आपको क्या करना है कि आपको स्टोरी जो बुक है आपके पास टेस्ट ऑफ द डॉलर बिल्स, आपको सीक्वेंस वे में आपको यूट्यूब में जो है स्टोरी मिल जाएगी। आप उसे अच्छे से ध्यान से सुने और माइंड में सेट करने का प्रयास करें। ठीक है, सीक्वेंस वाइज स्टोरी, और तब जाकर ये इस नोट्स को समझें। ठीक है, और ये नोट इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इसे और सिंपल लैंग्वेज में समझाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश ऑनर्स छोड़ देनी चाहिए। लिटरली मैं इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और इसमें भी आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश ऑनर्स छोड़ देनी चाहिए, ट्रस्ट मी। ठीक है, हमको नहीं लगता है कि आपको उसमें दिक्कत आएगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर छिप गया है, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, केयरलेस मैन है। ठीक है, बैकग्राउंड एंड इनिशियल इम्प्रेशन में यहाँ आपको दिख रहा होगा, जब आप ये लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको केयरलेस मैन है। ठीक है, यहाँ आप मिट गया, मतलब दिख नहीं रहा है। आपको क्या करना है कि इंट्रोडक्शन में हेडलाइन देना है, बैकग्राउंड एंड इनिशियल इम्प्रेशन में, इस तरह के जितने भी हेडलाइंस पॉइंट हैं आपको क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। ठीक है, और उसके बाद लिखनी है। ठीक है, तो मैं चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पेज शेयर करने के लिए। ये रहा, ये फर्स्ट पेज था। ठीक है, इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड एंड इनिशियल इम्प्रेशन। अब ये है सेकेंड, इनोसेंस एंड ब्यूटी और स्ट्रगल एंड विक्टिमहुड। ठीक है, थर्ड है, इसी तरह सीक्वेंस लिखना है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड मॉरल डिलेमास। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेजिलियंस। ठीक है, और ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, फेटलिज्म एंड सिंबोलिज्म। ठीक है, और ये रहा फाइव। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ट्रस्ट मी, अगर आपको स्टोरी से याद है ना तो आप अच्छे से एकदम समझ जाएंगे, और आप अच्छे से याद कर पाएंगे, और आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। ठीक है, सो अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा समझाने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।